नमस्कार दोस्तों, ज्ञान जुगलर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके और नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट लेके आए जी। आज फिर देख सकते हो लेटेस्ट अपडेट आई है, हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार की सरकारी नौकरी न होने पर जो सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने की बात कर रखी है उसको सराहा है। ठीक है जी, जो प्रदेश सरकार ने सीटी में 5% और स्क्रीनिंग में 2.5% अंक रखे हुए हैं ये तय किया है, तो इसका बहुत बड़ा सराहा है इसको, जो कि विमुक्त जातियों के लिए 5 अंकों की प्रशंसा की है, जो कि डिनोटिफाइड ट्राइब में भी ये आपको टपरीवास जाति के लिए या विमुक्त जाति या एससी कास्ट के लिए कह सकते हो, तो उसमें भी जिन गरीब परिवारों के बेरोजगार युवाओं के लिए सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने के लिए सामाजिक आर्थिक मानदंड के अतिरिक्त अंक देने का भी प्रावधान रखा है, उसको हाई कोर्ट में गया था मामला ये, तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने प्रदेश सरकार की इस बात को भी सराहा है। हाई कोर्ट ने भी समझाया, जो कि बिजली में निगम में इंजीनियरिंग भर्ती के लिए 20 अंक रखे गए हैं, ग्रुप सी डी के भर्तियों के लिए अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया। ठीक है जी, हाल फिलहाल में कोई भी फैसला नहीं लिया गया। यूवाइन भर्तियों के विज्ञापन का भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो मानदंड के अंक हैं वो फाइनल होंगे तो जाके कुछ इनका फाइनल क्लियर होगा। ये दैनिक सवेरा की एक्सक्लूसिव खबर आई है, जो कि स्क्रीनिंग टेस्ट के 2.5 अंक हैं और सीधी भर्ती में 10 अंक रखे गए हैं। ये अभी तक फाइनल होना, जो कि सरकार की मोहर लगने इस पर बाकी है। ठीक है जी, अभी भी इसमें केस चल रहा है, जो कि हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, और इसी मकसद से उन्होंने सामाजिक आर्थिक मानदंडों के अगर प्रावधान किया है, भी जिनके परिवार में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, जिनकी 1,80,000 से इनकम कम है और जिनको कोई जमीन नहीं है जिनके पास, उनको नौकरी का प्रावधान मिल सके। तो इसमें हरियाणा सरकार, जो हाईकोर्ट है हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट, उसने भी सरकार की इस योजना को, HSSC हरियाणा सरकार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को सराहा है इस चीज़ को भी। ठीक है जी, यानी कि इसके पक्ष में उम्मीद है भी आर्थिक सामाजिक मानदंड के पक्ष में ही हरियाणा हाईकोर्ट जो कह रहे हैं भी प्रावधान करेगा। ठीक है जी, और इस प्रावधान को सरकार ने सराहा, जो कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के डिनोटिफाइड में से आरक्षण में हिस्सा है, ट्राइब की इस जाति का मुश्किल से सरकारी नौकरी में ही कोई हिस्सेदारी होती है, ज़्यादातर आरक्षण अन्य कोई हो जाता है, इससे स्पष्ट है कि इस कैटेगरी की सरकारी नौकरियों में नया हिस्सा होने से प्रदेश सरकार को 5 अतिरिक्त अंक के लिए प्रभावित किया है, और इसमें संविधान अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसमें भी सरकार की बुद्धिमत्ता की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने ये प्रावधान दिए हैं। यानी कि अब उम्मीद पूरी है, जो कि उम्मीद अभी हाईकोर्ट सराह चुका है तो आपको 5 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे अगर आपके कोई सरकारी में नहीं है, तो उसके लिए स्ट्रिक्ट जरूर होगी सरकार, जो कि आपके भी परिवार में खंगालेगी जरूर भी बंदे के वाकई ही परिवार में कोई सरकारी जॉब पर है या नहीं। ठीक है जी, इसी तरह की अब और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, उम्मीद है भी पूरा 99% भी 5 अंक आपका प्रावधान किया जाएगा, और इंजीनियरिंग में 20 अंक का प्रावधान इस तरह का किया गया है। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी रही है आपके लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए, हमारा सहयोग जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।